नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट राजनीति विज्ञान कक्षा ट्वेल्थ का चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। और इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा उपयोगी आपके लिए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए लेके आए हैं। 1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में से कितने प्रतिशत जो मतदाता थे वो साक्षर थे? तो साक्षर मतदाताओं का जो प्रतिशत था वो था 15%। 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली थी? तो सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी कहलाते हैं। भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने। भारतीय जनसंघ जो कि एक पार्टी थी, 1951 में बनी थी, इसके संस्थापक कौन थे? जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के पहले चुनाव आयुक्त, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने, भारत के पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए थे सुकुमार सेन। भारत में, या कहें कि स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में पहला आम चुनाव करवाया गया था। 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की जो कम्युनिस्ट सरकार बनी हुई थी, गैर कांग्रेसी सरकार, उसको बर्खास्त किया? तो वो अनुच्छेद था 356, यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए या वहाँ की जो निर्वाचित सरकार है उसको बर्खास्त करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपन ने देखे। अब अति लघुत्रात्मक प्रश्न इस चैप्टर से बन रहे हैं, उनको देखने वाले हैं। समग्र मानवतावाद के सिद्धांत के प्रेरणता कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। भारत में एक दल के प्रधानता के युग में किस दल को सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक दल के प्रभुत्व के लिए जानी जाने वाली पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब से कब तक रहा? तो 1952 से 1977 तक एक दल के प्रभुत्व। यानी एक दल का प्रभुत्व का मतलब क्या है कि जब 1952 में पहले आम चुनाव हुए तो 1952 से लेकर 1977 तक एक ही पार्टी केंद्र और राज्यों में सरकार बनाती रही। इसके पीछे कई कारण थे, उन कारणों को आगे देखेंगे अपन, लेकिन इसी को नाम दिया गया एक दल की प्रधानता वाला युग। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना। 1950 में जनवरी, 25 जनवरी 1950 को भारत का निर्वाचन आयोग बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर क्यों रहा? अब ये प्रश्न आ गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन था वो मजबूत था, और संगठन मजबूत होने के कारण ये गांव-गांव तक भी फैला हुआ था। इसीलिए एक दलीय प्रभुत्व का दौर रहा। यानी ये वो पार्टी थी जो स्वतंत्रता से पहले ही 1885 में बनी थी और पूरा स्वतंत्रता आंदोलन इसी के नेतृत्व में लड़ा गया। तो ये उस समय कहें कि स्वतंत्रता आंदोलन की एक वारिस के रूप में, या वो जनाधार इसके पास था, वो ही नेता स्वतंत्रता के बाद चुनाव लड़ रहे थे जो कभी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में भाग ले रहे थे। और अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा करिश्माई नेतृत्व भी इस पार्टी के पास था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कोई एक विशेषता लिखनी है
भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुदलीय है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय ये राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली होती है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था यानी दो से अधिक दल राजनीतिक सहभागिता करते हैं और सरकार बनाने में भागीदारी निभाते हैं। राजनीतिक दल विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना। प्रथम आम चुनाव में 364 सीटें कांग्रेस पार्टी को ही मिली और दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली 371 और तीसरे आम चुनाव में मिली 361। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के प्रभावशाली नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, करिश्माई नेतृत्व वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री राजगोपालाचारी। 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ कौन कौन से चुनाव करवाए गए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अपना। राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी लोकसभा के साथ ही करवाए गए थे। स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत क्या था, स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत था मुक्त अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप ना हो। जनसंघ ने किस विचार पे जोर दिया, जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पे जोर दिया। भारत में किस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की चुनाव पद्धति थी उसको अपनाया गया। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक, वो चाहे किसी भी जाति धर्म लिंग वंश का क्यों ना हो, उस मताधिकार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी वो मत देने का अधिकारी होगा। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत का मतलब है कि जिसके पास बहुमत भले ही मत हो, 50% से अधिक मत ना हो, लेकिन फिर भी अगर उसने सबसे अधिक वोट प्राप्त कर लिए वही पार्टी विजय हो, इस प्रकार की पद्धति को अपनाया गया। के चुनाव में वोट हासिल करने के लिहाज से कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पे रही, तो सोशलिस्ट पार्टी। राष्ट्रीय मंच पे किस नेता के आगमन से कांग्रेस पार्टी को एक आंदोलन के रूप में बदल दिया, तो महात्मा गांधी के आने से कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन में बदल गई। ऐसे दो राज्यों के नाम जहां 1952 से 67 तक कांग्रेस सत्ता में नहीं रही, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है अपना। जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण भारत में केरल, ऐसे दो राज्य थे जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं थी 1952 से 1967 तक। लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे अब। प्रश्न अपना है कि भारत में लंबे समय तक कांग्रेस दलीय प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारण, यानी कांग्रेस लंबे समय तक प्रभुत्व में रही, सत्ता में रही, उसके लिए उत्तरदायी कारण कौन से थे, तो इसके लिए उत्तरदायी कारण थे कि राष्ट्रीय संघर्ष में कांग्रेसी नेताओं का जनता में अधिक लोकप्रिय होना, कांग्रेस के पास ही राष्ट्र के कोने कोने और ग्रामीण स्तर का संगठन था, इन पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा करिश्माई व्यक्तित्व था, ये कारण थे कि कांग्रेस 1952 से लेकर लंबे समय तक यानी 1977 तक केंद्र में एक दलीय प्रभुत्व के रूप में रही। भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो भारत के अलावा भी उस समय कई ऐसे देश थे जहां एक पार्टी का प्रभुत्व था, लेकिन उनका जो सिस्टम था वो लोकतांत्रिक नहीं था, गैर लोकतांत्रिक था। इसके लिए हम देखें कि विश्व में और भी कई देश थे जहां एक पार्टी का उदाहरण हमें मिलता है, हालांकि उनमें भारत के एक पार्टी प्रभुत्व में अंतर था। कुछ देश जैसे चीन, क्यूबा, सीरिया में संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी की व्यवस्था कर रखी थी, ये गैर लोकतांत्रिक देशों की तर्ज वाले देश। कुछ देश जैसे म्यांमार, बेलारूस आदि में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों से चलता था।
कुछ साल पहले एक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान की एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि निर्दलियों की बढ़ती संख्या एक चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। तो चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने की स्थिति में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका बढ़ जाती है। कोई चुनाव में किसी भी एक पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलता, स्पष्ट बहुमत की वो सरकार बना सके, तो जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनका सहारा लिया जाता है, तो निर्दलीय उम्मीदवारों की उस समय भूमिका बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप ये होता है कि निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि होती रही। तो ये निर्दलीय उम्मीदवार भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, ये भारतीय दलीय व्यवस्था के हित में नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि इनका पूरा नाम बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर है। आप ये दलितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत रहे। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी स्थापना की। तो लेबर पार्टी की, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के गठन की भी योजना बनाई, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल के सदस्य रहे, और ये संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये सबको पता है। भारत की आज़ादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री की भूमिका निभाई। इन्होंने हिंदू कोड बिल के मुद्दे पे अपनी असहमति जताते हुए, हिंदू कोड बिल इनके द्वारा लाया गया क्योंकि ये कानून मंत्री थे उस समय, लेकिन सरकार इनके बिल को पास नहीं कर सकी। तो 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया और 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व राजनीतिक दलों का उल्लेख। स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन कौन से राजनीतिक दल सक्रिय थे उनका उल्लेख करना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय न केवल एक राजनीतिक दल था, बल्कि एक ऐसा मंच था जिसमें हर विचारधारा के लोग शामिल थे और जिनका उद्देश्य छोटे छोटे सुधार करना था। मुस्लिम लीग एक दूसरी पार्टी थी जिसकी स्थापना 1906 में हुई, और मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। भारतीय साम्यवादी CPI पार्टी 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना एम एन रॉय ने की थी। भारतीय समाजवादी पार्टी, जो कि 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ने भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। क्या एकल पार्टी प्रभुत्व भारतीय राजनीति के लोकतंत्र के चरित्र को खराब करती है, यानी खराब असर हुआ? तो क्या एकल पार्टी प्रभुत्व है, जो कि 1952 से 1977 तक कांग्रेस पार्टी केंद्र में और अधिकांश राज्यों में अपनी सरकार बनाती रही, उसने लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर डाला? हाँ, एकल पार्टी प्रभुत्व का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ, क्योंकि इससे कोई भी अन्य गठबंधन या पार्टी उभरकर सामने नहीं आ पाई। मतदाताओं के पास भी कोई अन्य विकल्प नहीं था। राजनीतिक तानाशाही को भी बल मिला। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ। नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हुआ, जो 1975 में आपातकाल के रूप में देखा जाता है। जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इसका थोड़ा लोकतंत्र पे खराब असर भी हुआ। हालांकि ये लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी थी। अन्य देशों में जैसे एकल पार्टी सिस्टम था, वैसा भारत में नहीं था। इनके चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते थे और 5 साल के बाद सरकार को या जनता को पुनः मौका मिलता था, और इसके प्रभुत्व में रहने के ऊपर कारण हमने देख लिए कि कौन से कारण थे जिसके कारण भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लंबे समय तक रहा। अगर पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती, तो किन मामलों में इस सरकार की से अलग नीति अपनाई होती? इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों में 3 अंतर बताने हैं। तो दोनों दलों द्वारा अपनाई गई प्रमुख जो अंतर है वो है कि भारतीय जनसंघ असंलग्नता की नीति
न अपनाकर अमरीकी गुट के साथ मिल जाता, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी असंलग्नता की नीति अपनाते हुए सोवियत गुट के साथ मिलकर विदेश नीति का संचालन करती। भारतीय जनसंघ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में महती भूमिका निभाता, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति राष्ट्रभाषा के संदर्भ में कांग्रेस जैसी ही थी। जनसंघ कश्मीर में धारा 370 का प्रयोग खत्म करना चाहती थी तो 370 का प्रयोग नहीं करती। कश्मीर 370 जो कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देती रही, अब वर्तमान में इसको निष्क्रिय कर दिया। कश्मीर का अन्य राज्यों की तरह भारत में विलय कर देती, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह का कोई प्रयास नहीं करती। ये हमने देखा कि अगर कांग्रेस पार्टी की जगह ये पार्टियां होती तो किस तरीके का भारत होता। पहले आम चुनाव से लेकर अब तक मतदान के तरीके में क्या बदलाव आए? तो 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ, प्रत्येक उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह की एक पेटी रखी गई थी। मतदाता को खाली मतपत्र दिया गया था और उसने अपनी पसंद के उम्मीदवार का नाम मतपेटी में डाला। बाद के चुनाव में मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया गया। मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार के आगे मोहर लगाकर एक डब्बे में डालनी होती थी। सन 1990 के दशक के अंत के चुनाव में EVM का प्रयोग यानी EVM मशीन का प्रयोग होने लगा है। इससे मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने एक बटन होता है जिसको दबा कर अपना मत दे सकता है। कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक संगठन थी? कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधाराओं की उपस्थिति का उल्लेख करना है। तो आजादी से पूर्व ही कांग्रेस परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों के साथ जुड़कर कार्य कर रही थी। कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी और इसमें विभिन्न वर्ग, भाषा, जाति और अन्य हितों से जुड़े व्यक्ति इस गठबंधन से जुड़ चुके थे। तो कहने का मतलब इस पार्टी में सभी प्रकार के वर्गों के हित समाहित थे। तो ये एक शक्ति संतुलन का भी काम कर रही थी। इसमें क्रांतिकारी भी थे, शांतिवादी भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल भी थे, चरमपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, सभी विचारधारा के लोग शामिल थे। तो कांग्रेस एक ऐसा मंच था जिसमें अनेक हित, दबाव समूह और राजनीतिक दल आज उठते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। कांग्रेस ने सोशलिस्ट पार्टी को भी कांग्रेस के गुट में शामिल किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी उसके कार्यक्रम कौन से हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता को प्राप्त करना था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसके आदर्श जो रहे वो संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद रहे। कांग्रेस लगभग 30 वर्षों तक सत्तारूढ़ रही। इस दौरान उसने अस्पृश्यता के लिए काम किया, दलित अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए काम किया, दलितों के उत्थान के लिए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर देश के विकास के लिए काम किया, सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना आदि कार्यक्रम अपनाए। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी आर्थिक सुधार, प्रगति, विकास और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और उदारवादी अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम को अपनाए हुए। अगर आपको ये कंटेंट बेहतर लगा और आपको ये लग रहा है कि आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में ज़रूर मदद करेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स।